सर्वप्रथम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज का उद्बोधन 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने वाला रोडमैप था। देश को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के नासूरों से मुक्त करने का ऐलान था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मूल मंत्र को साकार करने वाला था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए सारा देश ही उनका परिवार है, इसकी झलक भी हमें उनके उद्बोधन में आज देखने को मिली, जब उन्होंने बार बार देशवासियों को संबोधित करते हुए परिवारजन कहा। उन्होंने लाल किले के प्राचीर से रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का संदेश साफ दे दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को 3 गारंटियां भी दी। पहली कि 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। दूसरी ये कि शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी। और तीसरी कि देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। 17 सितंबर से विश्वकर्मा योजना भी शुरू की जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक आपदा के कारण देश के अनेक हिस्सों में आए अकल्पनीय संकट को भी याद किया। शांति की ओर बढ़ रहे मणिपुर का भी जिक्र किया और विस्तार से इस बात पर भी चर्चा की कि किस तरह 1,000 साल के गुलामी के बाद देश सवर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य के प्रति एक नया आकर्षण, एक नया विश्वास पैदा हुआ है। ये प्रकाश पुंज भारत से उठा है जो विश्व अपने लिए ज्योति के रूप में देख रहा है। हम जो भी करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, जो भी फैसले लेंगे, वो अगले 1,000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है, भारत के भाग्य को लिखने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन देश के लिए कुछ कर गुजरने हेतु युवाओं को आंदोलित करने वाला था। आज हमारे पास डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की त्रिवेणी है। ये तीनों मिलकर देश के सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं। निश्चित ही इस युग में हम जो भी करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, एक के बाद एक जो भी निर्णय लेंगे, वो देश को स्वर्णिम इतिहास को जन्म देगा। हमारी युवा शक्ति न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की जरूरत को पूरा करने वाला सफल होगी। जब उन्होंने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि नीति सही, रीति नई, गति सही, राह नई, सुनी चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम, तो ये युवाओं में एक नया उत्साह का संचार पैदा करने वाला था। देश में आज अवसरों की कमी नहीं है। देशवासियों, आगे बढ़ने के लिए जितने अवसर चाहिए, यह देश आसमान से ज्यादा अवसर देने वाला सामर्थ्य रखता है। यह इस देश की क्षमता और सामर्थ्य को दर्शाता है। साथ ही यह देश को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प को भी दिखाता है और दोहराता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से अपने 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी दिया और विकास का रोडमैप भी रखा। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, देश की दिशा में एक नए भविष्य का सूत्रपात करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य देश के 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। उन्होंने बताया कि किस तरह परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण देश में गरीब, पिछड़े, आदिवासियों और दलितों का हक छीनती है। इन्हें हम जड़ से मिटाना ही होगा। विगत 10 वर्षों में देश कैसे बदला है,
इसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में किया है, जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी करती है। इसी कालखंड में हो रहा है जो देश 10 वर्षों की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 की यात्रा की है और अगले 5 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ भारत सरकार की तरफ से ज्यादा थे, पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पहुंचा है। पहले स्थानीय निकायों के विकास के लिए भारत सरकार में 70,000 करोड़ रुपए जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। पहले गरीबों के घर के लिए 90,000 करोड़ रुपए होता था, आज 4 लाख करोड़ रुपए होता है। भारत सरकार 10 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए यूरिया में सब्सिडी दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने G20 की अध्यक्षता का जिक्र भी किया, किस तरीके से भारत विश्व पटल पर नई कहानी लिख रहा है। इसने देश के सामान्य मानवीय के सामर्थ्य से दुनिया को परिचित करवा दिया। भारत की विविधता को दुनिया अचंभे से देख रही है, जिस कारण भारत का आकर्षण बढ़ा है। कुल मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज का उद्बोधन प्रेरणादायी भी था और देश के विश्वास एवं सामर्थ्य को प्रतिबिंबित भी करता था। सभी देशवासी, परिवारजन, आगे बढ़ने का रास्ता देखने वाले इस ऐतिहासिक उद्बोधन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि अभिनंदन।